आएगा और ले जाएगा, देखो कितने प्यार से ले गया भाई, किसी का पेट तो भर रहा है फेंकने से, तो अच्छा जगह लेके गया। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, आज जो है ना मैं अपना ब्रीडिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वैसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अपसेट भी हो रहा हूँ कि भाई फिर दोबारा भाई बच्चे निकल गए हैं और फिर दोबारा अंडे दे रखे हैं, सबके पक गए हैं। और क्योंकि भाई इतनी जल्दी मैं लॉफ्ट में जाता नहीं हूँ, और जब तक जाता हूँ तो भाई अंडे पक चुके होते हैं, बच्चे भी निकल गए हैं यार दो, ठीक है। तो निकलवाना तो नहीं चाहता था, बट अब निकल गए हैं तो अब क्या कर सकते हैं, सोचा अपने भाइयों को क्यों ना दिखा दिया जाए यार। तो आज की वीडियो भाई इसी के ऊपर है, तो अपना ब्रीडिंग सेटअप दिखाएंगे। फिलहाल अपने कबूतर खुले हुए हैं प्रॉपर सुबह से, धूप तो अब डेली निकलने ही लग गई है, आप देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा तेज़ निकल रही है। 5 बज चुके हैं, बस सूरज अभी भी निकला पड़ा, तो 6 बजे तक भी भाई उजाला रहता है, पहले बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, नहीं अब 6 बजे तक भी उजाला ही रहता है। तो कबूतर खुले हुए हैं भाई अपने सुबह से, ये देख चेक कर लो आप, ठीक है, ये खुले हुए हैं सारे कबूतर। और अपने कबूतर भाई सेल भी करने जा रहा हूँ मैं कुछ, तो अभी मैं बाद आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है, आगे चलकर अभी नहीं बता रहा। तो कबूतर सेल करने वाला हूँ भाई मैं, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे, बाकी आपको बाद में पता चलेगा। तो फटाफट से भाई पहले कबूतरों को खोलता हूँ मैं, कैच कबूतर जितने भी हैं मेरे पास, परंत कबूतर जो भी है भाई सबको खोल देते हैं अब, क्योंकि दाना देने का टाइम हो गया है, शाम हो चुकी है ना, तो इस वजह से। इसमें देख लो पहले कोई और कबूतर तो नहीं, सो नया, क्योंकि एक नया कबूतर भी है वो, ये गिरा कैसे दिया इन्होंने, चलो इनको खोल देते हैं। आओ आओ आओ, पानी रखते हैं यहाँ, आओ 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 आओ, आ जा, अंदर जाने के लिए नहीं था भैया, बाहर आओ, बाहर दाना नहीं खाना। बाकी इनको भी दाना देते हैं, इनको भी खोल देते हैं, इसमें भी कुछ कबूतर हैं, कुछ क्या बहुत ही है। तो उसके अंडे भाई फेंक दूँगा, उसने अभी अंडे दिए, वहाँ पे भी 2 अंडे रख रखे हैं, तो उसके फेंक दूंगा, ठीक है। तो बाकी इनको खोल के पहले दाना देते हैं आराम से, तसल्ली से, आओ आओ आओ, ये अंदर जा रहे हैं भाई, देखो गेट खोलते क्योंकि सुबह से खुले हुए हैं ना, तो अब इनका अंदर जाने का टाइम हो गया, बट दाना दे दूंगा और अपना आप मैं खुद ही बंद कर दूंगा इनको दाना देते ही, क्योंकि भाई सुबह से खुले रहते हैं। अब ये भी नहीं है कि अभी खोलूंगा तो इंतजार करूं, बैठूं थोड़ी देर के घूमने दूं, नहीं, सुबह से खुले हुए कबूतर आराम से घूम रहा है, उड़ रहा है, जो करना अपना कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब तो धूप निकलने लग गई है, तो डेली मैं खोल देता हूं सुबह, अब स्कूल की भाई छुट्टी छुट्टी है, अब मैं डेली वीडियो लाया करूंगा और अच्छी अच्छी वीडियो सोचूंगा आप सब भाइयों के लिए, क्योंकि अब स्कूल ख़त्म हो गए हैं भाई, मतलब एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब लास्ट ईयर है भाई मेरा, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो अब स्कूल की छुट्टियाँ ही पड़ गई हैं बिल्कुल, तो स्कूल बस एग्ज़ाम देने के लिए जाना, वो भी 20 तारीख से गए, ठीक है। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और इंतज़ार करो न्यू वीडियो आने का, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपने सोची भी नहीं होगी ऐसी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो बाकी आपको ब्रीडिंग सेटअप दिखाते हैं पहले, और पहले दाना लेके आते हैं नीचे से और दाना खिलाते हैं इनको सारे कबूतरों को, फिर आपको ब्रीडिंग सेटअप दिखाएंगे। दाना तो मैं ले आया हूँ, और बाकी दाना डाला भी मैंने थोड़ा सा अभी, बट एक ना आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ गाइस, ठीक है। कल रंजन लेके आया कबूतर, जो कि बहुत ही प्यारा पट्टा है लिटरली गाइस, ठीक है, बहुत सुंदर है, आपने देख लिया वैसे तो भाई, जिसको मैं पकड़ रहा हूँ अभी, आ जा बेचारा भाई, इतना ही ज़्यादा खूबसूरत है ना, इतना ही, इसकी भाई कोई वो नहीं है, ठीक है भाई। पट्टा जो है गाइस बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो इतना ही ज़्यादा सुंदर, इतना ही ज़्यादा खूबसूरत है ना, ये देख सकते हो पिलका पट्टा है भाई, बहुत अच्छा सा, ठीक है। मोमी चोचे मोमी है, पंजे है, पता नहीं मंद्रासी है या फिर गोला है, ठीक है भाई, आप बताना एक बार कमेंट करके। तो रंजन को कल दिया भाई गिफ्ट में, रंजन जहाँ वीडियो बनाने गया था ना, कल गिफ्ट में पट्टा दिया है वाला, तो कमेंट करके बताओ कि कैसा है, बहुत सुंदर है लिटरली, बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो एक बार आप कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं सोचा अपने भाइयों की ना चीज़ दिखा दी है वाली, तो कमेंट करके बताना। छोड़ देते हैं इसे, कबूतर में बहुत चटक है भाई, बच्चा है ना अभी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ भी है और सुंदर भी है, सुंदरता के साथ साथ सही है बच्चा, ठीक है। तो दाना डालते हैं इनको, दाना डाल के छोड़ देंगे अभी ट्रे में, पहले हल्का सा डाल देते हैं, आओ आओ, पहले सबको बाहर निकाल देते हैं, फिर अंदर तसल्ली से आपको दिखाऊंगा ब्रीडिंग सेटअप। आओ 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 आओ, चलो आपको दिखाई देते हैं पहले, इनको कबूतर अंदर जाने लग जाएंगे ना, दिक्कत करेंगे, जो है उनको बाहर निकाल देते हैं। ओए होए, इसका नर है भाई, ये अंडे धर रखे इसने, जेड़ जोड़ा इसे, मैं आ जा, तू भी आ जा, इसका बच्चा है भाई, अभी निकला है शायद 1-2 दिन पहले ही, और इसका भाई अंडे है 2-2, आपको सब दिखा दूंगा अभी, ठीक है। इसके नीचे एक बच्चा है बड़ा, इसके नीचे 2 अंडे हैं, ठीक है भाई। तो आपको अब हाथ में लेके, बेबी तो बहुत ज़्यादा छोटा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, इसको रहने देते हैं यहीं पे, ठीक है, इसको टच नहीं करेंगे। बाकी इसमें 2 अंडे हैं भाई, आपको दिखा दूं मैं, ये देखो, और ये अंडे भाई पक चुके हैं, बच्चे निकल जाएंगे भाई 6-7 दिन में, ठीक है। और एक बेबी ये रहा, ये तो बड़ा भी हो गया थोड़ा,
उसको निकले हुए शायद से 10 दिन तो हो गए मैक्सिमम। तो एक बेबी ये रहा भाई, ठीक है, सब ने दोबारा भाई अंडे धर दिए, सब ने, दिखा दूँ आपको, ठीक है। और एक का तो बेबी दिखा दिया मैंने आपको, इसके भी अंडे भाई पक चुके हैं, ये दुआजन वो पिलकन के है, ठीक है। बाकी इसके नीचे भी, लखे के नीचे भी दो अंडे हैं, ये रहे इसके अंडे भी भाई इसने अभी दिए हैं, एक आध दिन में तो इसके फेंक देंगे, ठीक है। बाकी आप बताओ क्या करना चाहिए, देखो दो अंडे ऊपर भी है यार, कितने सारे अंडे दिखा दिए मैंने, और ये सब भाई फिलहाल ही मैं ये फेंक रखे इन्होंने, तो ये सारे अंडे फेंक दूँ। वैसे सेक तो रहे भाई गर्म अंडे, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, देखो निकलवाने का इनका बच्चे वह आखिरी में भाई बचते हैं नहीं, और गर्मी ऊपर से हो रही है तो हालत इनकी वैसी ख़राब हो जाएगी गर्मी में। तो एक आधे के नीचे छोड़ दूंगा बस, मुझे लगेगा जिसके नीचे रखना चाहिए, बाकी सबके नीचे हटा दूंगा अंडे, ठीक है। एक लखे के नीचे छोड़ दूंगा एक अंडा, क्योंकि वो बच्चा सही पालता है, मैंने देखा उसको, ठीक है। बाकी इसका बच्चा मर गया यार, बट कोई दिक्कत नहीं यार, अब जो बचना होगा बच ही जाता है, एक बच्चा बचा गया, आप यकीन नहीं करोगे, 5 बच्चों में से एक बच्चा ओनली। और बाकी दुआजन का बच्चा भी बच गया था, पता नहीं क्या हुआ था इसका तो मैं भूल गया, और इसका बच्चा भी भाई बचा था, फिर लास्ट में मर गया था, फिर दोबारा निकल गया बच्चा अब तो। और इसके अंडे भाई इसी का बच्चा बचा हुआ है, बस एक एक मर गया एक बचा हुआ है, दोनों बच्चे बिचा दिए थे इसने, बहुत अच्छा पाला था, तो इसके अंडे छोड़ देंगे, बट एक ही रखेंगे इसके नीचे भी, ठीक है भाई, एक हटा देंगे, तो सबके नीचे एक छोड़ के बाकी सारे बच्चे हटा देंगे। एक बच्चा ना भाई पल जाता है, इस वजह से मैं एक रहने दूंगा, ठीक है, तो इसके तो दोनों ही हटा देते हैं। चलो अब बताओ भाई ब्रीडिंग सेटअप तो मैंने दिखा दे, जो हाल चाल है चल रहे हैं ब्रीडिंग में। बाकी अपनी लाइट जल रही है प्रॉपर, हमेशा ही जलती रहती है वैसे तो पूरे दिन पूरी रात। बाकी कबूतरों को दाना देते हैं फटाफट से, उनको खिलाते हैं। बाकी पेटी अपनी रखी हुई है वैसी की वैसी है, इसको ऊपर उठा के रख दी मैंने, ठीक है। ओ ओ बाकी चलो यार अंडे रख देते हैं, यहाँ पे भी फेंक देंगे, यहाँ रख देते हैं, इसमें सजा के रखेंगे एक एक करके, ऐसे रख देते हैं, ऐसे दुख तो हो रहा है बट क्या करें, उनकी पेटी भी नहीं है ना इसलिए फेंक रहा हूँ, पेटी होती तो छोड़ भी देता है। इसका भी बच्चा पाला है और बचाया भी है इसने बच्चा, पता नहीं इसका वाला बच्चा भाग गया बड़ा करके। बाकी कोई नहीं यार छोड़ो, और आपको मैं दाना दिखाता हूँ, खिलाते हुए इनको दाना खिलाते हैं। चलो विकास, तो गाइस दाना तो डाल दिया गाइस मैंने, बाकी अभी ना खाते रहेंगे, मुझे लकवी को और चोस्टूटी को चुगाना है, अपने पास दो हो गए अब चुगाने वाले हाथ से, तो अब दोनों को चुगाना पड़ता है। बाकी कुछ कबूतर अभी सेल करने वाला हूँ, और इसमें भी अभी जल्दी सेटअप तैयार करने वाला, बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा कम कबूतर रखने वाला हूँ गाइस मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे खुद नहीं पता मेरे पास कबूतर कितने हैं, तो इनको सबको छांटूंगा मैं, और सबको ही हटाना है मेरे को भाई, ठीक है, सबको ही, मेरा मूड ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, सबको ही हटाना है मैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई किन किस को हटाऊँगा, छाट के सबको हटा दूँगा, ठीक है भाई, जो अंकल के थे वो छोड़ दूँगा कुछ कबूतर, बाकी सबको हटाना है, सबको, एक भी नहीं छोड़ना, पुराने वाले छोड़ के, और बाकी जितने भी है सबको हटा दूँगा अपने, सबको, ठीक है भाई, मतलब 20 कबूतर रखना है मैक्सिमम, 20-25 कबूतर, बाकी जितने फालतू होंगे सबको हटाऊँगा, ठीक है। कुछ करने जा रहा हूँ भाई, न्यू ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं, ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना और आगे भी सपोर्ट करते ही रहना, जैसे शुरू से किया है ना, बस अपना साथ मत छोड़ो गाइस, ठीक है। तो अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, भरोसा रखो, बट ये थोड़ा भाई टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से भाई चैनल पे भाई फोकस नहीं था और वीडियोस पे फोकस नहीं था, बट अब क्या करें, अब फोकस करेंगे, पहले की तरह आपको प्यार देंगे और आप मुझे प्यार देना, ठीक है गाइस। तो फटाफट से इनको दाना खिलाते हैं, कबूतरों को बनते हैं बंद, छोटी सी वीडियो बना रहा था मैं, ब्रीडिंग सेटअप दिखाना था, चलो इनको दाना खिलाने देते हैं, पानी भी भरना है, सब चीज़ करना है अब कबूतर, क्योंकि भाई सुबह खुलते हैं वाले कबूतर की टाइमिंग चेंज हो गई है ना, पहले शाम को खुलते थे तो ये कबूतरों की भाई वीडियो नहीं बन पाती थी और खुलते भी नहीं थे, अब तो भाई शाम को वो सुबह खुलने लग गए तो ये डेली अब खुलने लग गए हैं, ठीक है। ये 4 अंडे मैंने निकाल लिए, ठीक है, एक एक नीचे से मैंने निकाल दिया है, और 2 अंडे भाई पूरे पक चुके थे इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे बने हुए थे तो फेंक नहीं सकते उसको अब, तो बाकी किसके नीचे रहने दिया मैंने, हाँ, और एक कलसरी के नीचे एक अंडा छोड़ दिया है, और एक दुआजन के नीचे एक अंडा छोड़ दिया है, और कलसरी के नीचे 2 ही है, हाँ, एक लखे के नीचे से हटा दिया, और एक दुआजन का उतरी पिलकर से उसके नीचे से हटा दिया, बाकी एक बच्चा तो निकल ही चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम फेंक देंगे, बाकी कबूतर खा रहे अपना दाना, कबूतरों को खाने दो दाना, ठीक है, इनको पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार उड़ जा रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं। सो गाइस, तो कौवा आ चुका है यहाँ पर, और पता भाई क्यों आ रहा है, अभी कबूतर मैं समझ गया क्यों डर रहे थे बार बार, ये कौवा ना भाई अंडा खाने के लिए आ रहा है बार बार, देखो आ गया, उतर गया उतर गया, उठाएगा उठाएगा उठाएगा, ये देखो भाई, ये देखो ये रहा अंडे मैंने यहाँ रख दिए, देखो दबाएगा और ले जाएगा, देखो कितने प्यार से ले गया भाई, किसी का पेट तो भर रहा है फेंकने से, तो अच्छा जगह लेके गया गया, अभी दोबारा आएगा, दोबारा वहीं बैठ जाएगा उस टंकी के पास सफेद वाली, अब कितने उस पर बैठ गया फिर आएगा भाई दोबारा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अब फिर दोबारा आएगा तो। सो गाइस, बाकी बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ इस टाइम, बहुत बुरा हुआ है अभी, ठीक है, मैं बताना नहीं चाहता, तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि क्या हुआ है तो मेरे इंस्टा को फॉलो कर लेना, आपको वहाँ पता चल जाएगा।